वेलकम टू मैग्नेट मैग्निक्रेन जहां आपको 100 परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड नहीं होती है सो so, इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को दिस इज बरखा गुप्ता योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास टेंथ और क्लास टेंथ कंप्यूटर एप्लीकेशन का हम चैप्टर नंबर एट पाइथन रिवीजन को कंटिन्यू कर रहे हैं सो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे सी पाइथन को आपने डिफॉल्ट डब्ल्यू से इंस्टॉल किया डाउनलोड किया एंड आफ्टर दैट हमने उसमें दो तरीके से वर्क किया था कमांड प्रॉम्प्ट पे भी और साथ में हमने उसमें स्क्रिप्ट मोड में मतलब इंटरक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड दोनों में काम किया ओके सो होप आपने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी जिसे मैंने पार्ट ए का नाम दिया था आज हम देखेंगे पार्ट बी वर्किंग विद पाइथन का जिसमें हम देखेंगे एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि एनाकोंडा सॉफ्टवेयर का यूज करके हम कैसे पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं ठीक है सो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट बी हाउ टू वर्क विथ पाइथन यूजिंग एनाकोंडा सॉफ्टवेयर तो पहले समझ लेते हैं एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है क्या ठीक है अब देखो एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर है एक जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे मतलब जो लास्ट वीडियो में हमने आईडीज देखे थे अलग अलग वो सारे आईडी जैसे स्पाइडर आईडी जुपिटर आई विजुअल स्टूडियो आईडी जुपिटर लैब नोटबुक वो सारे आपको आईडी सॉफ्टवेयर में मिलेंगे आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको बहुत सारे पैकेजेस भी मिलने वाले हैं सो एनाकोंडा इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग ओके लाइक डेटा साइंस मशीन लर्निंग एप्लीकेशन लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग प्रोडक्टिव एनालिटिक्स एक्सेट्रा तो ये जो मैंने आपको बताया ना बेसिकली इसके लिए है ना कॉन्टा सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है बेसिकली इसको डेटा साइंस में यूज किया जाता है जब आपको मशीन लर्निंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं तब हम इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो स्पाइडर आईडीई हम एक्सेस करेंगे कहां से एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर से ओके सो दैट एम्स टू दू पैकेज मैनेजमेंट अब इसको क्या था इसका एम क्यों बनाया गया ये तो जो पैकेजेस आपको पाइथन में अलग अलग मिल रहे थे उनको सिंप्लीफाई किया गया एक जगह पर आप एक्सेस कर सकते हो ओके सो एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स डेटा साइंस पैकेजेस सुटेबल फॉर ऑल प्लेटफॉर्म विंडोज लिनेक्स मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सुटेबल है आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसे एक्सेस कर सकते हो इट इज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय एनाकोंडा इन कॉरपोरेशन विच वॉज फाउंडेड बाय पीटर वैंग एंड ट्रेविस

कि सी पाइथन जो हमने लास्ट वीडियो में पार्ट ए में देखा क्या देखा था पार्ट ए में हमने कि सी पाइथन को हमने डाउनलोड किया था कहां से www.python.org से ठीक www है अब www.python.org ये ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन की यहां से हमने पाइथन को डाउनलोड किया और फिर हमने उसे इंस्टॉल किया जब आपने पाइथन को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया तो आपको ये दो एप्लीकेशंस मिले पहला एप्लीकेशन मिला आपको पाइथन प्रॉम्प्ट और दूसरा एप्लीकेशन मिला था हमें पाइथन आईडी एली तो पाइथन का जो आईडीई है उसको हम किस नाम से जानते हैं पाइथन आईडी एली के नाम से जानते हैं पाइथन आईडी एली में हमने दो मोड देखे थे कौन-कौन से स्क्रिप्ट मोड एंड इंटरेक्टिव मोड फाइन ये दो मोड पे हमने काम किया था किसमें पाइथन आईडी एली में बाकी पाइथन का प्रॉम्प्ट कैसा था जैसे आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है कमांड प्रॉम्प्ट सभी के सिस्टम में होता है सबने देखा है है ना रन करके आप कमांड लिख सकते हो या डायरेक्टली आप कमांड प्रॉम्प्ट पे भी जा सकते हो ब्लैक कलर का स्क्रीन होता है वहां पे आप कमांड मोड में कमांड लाइन में वर्क करते हो तो पाइथन का प्रॉम्प्ट होता है अब पाइथन प्रॉम्प्ट किस तरीके से होता है इस तीन एरो की तरह होता है जिसके आगे हम क्या करते हैं प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये बेसिक चीजें हमने कल देखी ठीक है अब पाइथन की प्रोग्रामिंग सिर्फ आप इस प्रॉम्प्ट पे नहीं आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हो आप नोटपेट वर्डपेड किसी भी एडिटर का यूज कर सकते हो पाइथन की प्रोग्रामिंग के लिए ओके okay? बट वो रन कहां होता है पाइथन इंटरप्रिटर पे ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कहाँ रन होता है पाइथन इंटरप्रिटर पे ठीक तो ये हमने कल देखा था पार्ट ए में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट बी वर्किंग विथ पाइथन यूजिंग एनाकोंडा सॉफ्टवेयर अब इसमें भी जब आप एनाकोंडा को इंस्टॉल करोगे तो किस वेबसाइट का यूज करोगे डब्ल्यू 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 डॉट डॉट कॉम ओके जब आप ये वेबसाइट को का नाम लिखोगे गूगल में तो जो पहली वेबसाइट आएगी वो यही ऑफिशियल वेबसाइट होगी www.anaconda.com जब आप ये टाइप करोगे तो उसके बाद आप कुछ डाउनलोड करोगे एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को देन इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करने के बाद में आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे एनाकोंडा के जिसमें ये दो मेन एप्लीकेशन है तो जैसे यहां पे प्रॉम्प्ट होता है वैसे यहां भी एनाकोंडा प्रॉम्प्ट होता है जिसे हम कोंडा नाम से भी जानते हैं तो एनाकोंडा का जो प्रॉम्प्ट होता है उसमें जो भी आप कमांड लाइन यूज करते हो कमांड लिखते हो वो कोंडा से आगे लिखी जाती है मतलब कोंडा लिखने के बाद आपको सपोज कुछ इंस्टॉल करना है कुछ अपडेट करना है तो कोंडा इंस्टॉल स्पाइडर कोंडा अपडेट जो भी आपको लेटेस्ट वर्जन से सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करना है जैसे पिप पैकेजेस का यूज करते हैं उसी तरीके से ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट होता है जैसे कोंडा पैकेज के नाम से जाना जाता है साथ ही साथ यहां पे हम वर्क करते हैं कमांड लाइन में उसके बाद आपको नेक्स्ट मिलेगा एनाकोंडा नेविगेटर तो जैसे यहां पाइथन का आईडी ही था वैसे यहां पर आपको मिलेगा नेविगेटर एनाकोंडा का और इस नेविगेटर के अंदर हमें बहुत सारे एप्लीकेशन मिलने वाले हैं आईडीज मिलने वाले हैं जहां से हम एक्सेस करेंगे किस आईडीई को स्पाइडर आईडीई को

तो आपको बेसिक समझ में आया कि आज हमें क्या पढ़ना है आज हमें ये सारी चीजें पढ़ना है ओके तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हैं जल्दी से बिना कोई देरी किए एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जो अभी हमने देखा पहला जिसे हम बोलते कोंडा पैकेज जैसे पाइथन को जब आप इंस्टॉल करते हो तो पिप पैकेज होता है पी है ना उसके थ्रू आप नम पास्की पाई को इंपोर्ट कर सकते हो इंस्टॉल कर सकते हो लाइब्रेरीज को वैसे यहां पे हम कोंडा पैकेज का यूज करते हैं ठीक है कैसे स्टार्ट करोगे आप इस तरीके का स्टार्ट मेन्यू पे जब आप क्लिक करोगे टास्क बार में टाइप करोगे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट आपको दिख जाएगा लेकिन इसको आप पहले हमें इंस्टॉल करना है ओके सो इज एन ओपन सोर्स पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कोंडा पैकेज एक पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी ओपन सोर्स और एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है दैट रन ऑन विंडोज ओएस एंड लिनक्स ओके okay? तो ये भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप यूज कर सकते हो पैकेज मैनेजमेंट इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं ओके कॉन्डा क्विकली इंस्टॉल्स रन एंड अपडेट पैकेजेस एंड देयर डिपेंडेंसीज यहां पे आप क्विकली इंस्टॉल कर सकते हो रन कर सकते हो अपडेट कर सकते हो पैकेजेस को लाइब्रेरीज को क्विकली ओके इट कैन इजिल क्रिएट सेल्स लोड्स एंड स्विचेस बिटवीन इन्वायरमेंट ऑन योर लोकल कंप्यूटर यदि आप किसी इन्वायरमेंट में स्विच भी करना चाहते हो ठीक है सेव करना चाहते हो कोई इन्वायरमेंट को लोड करना चाहते हो सपोज आप स्पाइडर आईडी कोंडा का यूज करके इंस्टॉल करना चाहते हो तो ईजीली कर सकते हो ओके okay? तो कौंडा जो प्रॉम्प्ट है पैकेज है वो अच्छे से समझ में आया नाउ इट वाज क्रिएटेड फॉर पाइथन प्रोग्राम्स क्यों क्रिएट किया गया था कोंडा पैकेज भी पाइथन प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए बट इट कैन पैकेज एंड डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर फॉर एनी लैंग्वेज

अभी हम लेटेस्ट बात करें तो 7500 से ज्यादा पैकेजेस इसमें हैं इंस्टॉल्ड जिनका यूज हम कर सकते हैं क्लियर कुछ इस तरीके का लोगो होता है इसका ठीक है अब कैसा दिखता है ये होता कमांड तो प्रॉम्प्ट ही है ठीक है तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको शो होगी जब आप इंस्टॉल कर लोगे एनाकोंडा कोंडा कौ, पैकेज को तो ठीक है इसे हम प्रैक्टिकली भी आज ही इस वीडियो में देखेंगे इस पर कैसे वर्क किया जाता है वो भी हम सीखेंगे क्लियर नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं हम किसकी एनाकोंडा नेविगेटर की तो बेसिकली जिस पे हमें वर्क करना है वो है एनाकोंडा नेविगेटर जो कि एक डेस्कटॉप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है एनाकोंडा का कोंडा प्रॉम्प्ट जो होता है कोंडा पैकेज होता है जो वो होता है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस मतलब वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको वर्क करना है कमांड लाइन में वर्क करना है कमांड लिख के आपको पैकेजेस को इंस्टॉल अपडेट करना है लेकिन नेविगेटर एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है इंक्लूडेड इन एनाकोडा डिस्ट्रीब्यूशन टू लॉन्च एप्लीकेशन देखो यहाँ पे आप एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हो जितने पैकेजेस हैं उन्हें मैनेज कर सकते हो एंड चैनल कमांड्स बिना कमांड लाइन कमांड्स के यूज करें हम यहाँ पे ग्राफिकली वे में एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं उनका यूज कर सकते हैं अब ये भी अवेलेबल होता है विंडोज मैक एंड लिनेक्स हर तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ओके okay, तो इसे भी जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से आप एनाकोंडा नेविगेटर को एक्सेस कर पाओगे टास्क बार में से स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ओके नाउ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस आर अवेलेबल बाय डिफॉल्ट इन नेविगेटर मतलब अब ये जो एनाकोंडा नेविगेटर है जब आप उसे इंस्टॉल कर लोगे तो उसमें जो डिफॉल्ट कुछ एप्लीकेशन होती है आईडीज होती है वो ये सारी होती है जैसे जुपिटर लैब जुपिटर नोटबुक क्यूटी कंसोल स्पाइडर ब्लू ऑरेंज आर स्टूडियो विजुअल स्टूडियो कोड अब इसमें कुछ फेमस हैं जिनका यूज पॉपुलरली किया जाता है जैसे जुपिटर नोटबुक स्पाइडर विजुअल स्टूडियो कोड

ठीक है एट द टॉप यहां कुछ आपको ऑप्शन हैं होम इन्वायरमेंट लर्निंग कम्युनिटी से रिलेटेड देन आपको यहाँ पे डेटा लोर वॉटसन स्टूडियो क्लाउड ग्लू जुपिटर लैब नोटबुक ऑरेंज पाईचाम जिसका मैंने अभी नाम बताया क्यूटी कंसोर आर स्टूडियो एंड स्पाइडर

अब देखो बाकी जो आईडी है जैसे ऑरेंज ग्लू ओके और ये आईबीएम बी वॉटसन क्लाउड ये सब डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होते हैं जो आप ट्वेल्थ क्लास में पढ़ोगे ओके सो अब इस तरीके से व्यू शो होगा जब हम क्या कर लेंगे एनाकोंडा नेविगेटर को डाउनलोड कर लेंगे और उसे स्टार्ट करेंगे तो ठीक है इसे प्रैक्टिकली भी देखेंगे हम सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इससे फैमिलियर हो जाओ इसलिए मैंने सारी स्क्रीन यहाँ पे लगाई हुई है अब में हमें किस पे वर्क करना है जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमें हम स्पाइडर हम, हमें किस पे वर्क करना है देखेंगे है, है तो इसके लिए क्या करना है हमें क्या होती है स्पाइडर आई वो समझ लेते हैं पहले तो स्पाइडर आईडी का लोगो तो कुछ इस तरीके से दिखता है ठीक है अब स्पाइडर आई इज एन ओपन सोर्स क्लॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट फॉर साइंटिफिक प्रोग्रामिंग इन द पैथन लैंग्वेज अब एनाकोंडा जो नेविगेटर है एनाकोंडा जो सॉफ्टवेयर है वो डेटा साइंस के लिए यूज होता है तो जितने भी उसमें एप्लीकेशन है वो सब साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज होती है डेटा साइंस के लिए ही यूज होती है डेटा साइंस प्रोग्रामिंग के लिए राइट मशीन लर्निंग यदि आपको कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए तो यहां पर स्पाइडर आईडी का भी क्या है रोल की एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है मतलब ओपन सोर्स स्पाइडर आईडी है ठीक है इट इंटीग्रेट ये किन किन से मिलकर बना हुआ है नंबर ऑफ प्रोमिनेंट पैकेजेस इंटीग्रेट होते हैं इसके अंदर जैसे हम बात करें तो नम पाय स्कीपा मेटप्लॉटलीज वेल एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब स्पाइडर आईडी में आप बहुत सारी लाइब्रेरीज का यूज कर सकते हो अब लाइब्रेरीज हमने लास्ट वीडियो में देखी थी ठीक है सो so, ये सो सारी लाइब्रेरीज है स्पाइडर आईडी ई के साथ इंटीग्रेटेड होती है आप इजीली यहां से इन्हें एक्सेस कर सकते हो इट इज रिलेटेड अंडर एम लाइसेंस ओके अब एम लाइसेंस क्या है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो ये सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करती है स्पाइडर आई सॉफ्टवेयर क्लियर नाउ

और लॉन्च करने के बाद में उसे हम स्टार्ट मेन्यू से एक्सेस कर सकते हैं ठीक है जब आप स्टार्ट मेन्यू से स्पाइडर आईडी को एक्सेस करोगे तो कुछ इस तरीके से स्पाइडर फोर वर्जन ये जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा ओके ऑन द अदर प्लेटफॉर्म मतलब ये विंडोज की बात हुई यदि अदर प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं हम तो स्क्रॉल टू तो स्पाइडर अंडर होम एंड क्लिक लॉन्च ओके okay, तो ये तरीका हुआ क्या स्पाइडर को एक्सेस करने का स्पाइडर आईडीई को एनाकोंडा से फर्स्ट यू हैव टू लॉन्च इट एंड देन यू हैव टू एक्सेस दिस बाय यूजिंग स्टार्ट मेन्यू नाउ यदि आप स्टार्ट मेन्यू से उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो हम इसे कमांड प्रॉम्प्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट कौन सा हुआ अब एनाकोंडा का एनाकोंडा प्रॉम्प्ट कोंडा पैकेज ठीक है तो इफ स्पाइडर डज नॉट लॉन्च वी आर दिस यूज टू द कमांड लाइन तब हम किस को एक्सेस करेंगे कमांड लाइन को एक्सेस करेंगे ओपन एंड ना कॉन्डा प्रॉम्प्ट फॉर विंडोज ऑन योर टर्मिनल अदर प्लेटफॉर्म पे भी आप एक्सेस कर सकते हो टाइप कॉन्डा एक्टिवेट बेस्ड देन स्पाइडर तो यहां पर आपको सिंपल इस तरीके से कमांड लिखना है कॉन्डा एक्टिवेट या कौंडा इंस्टॉल स्पाइडर क्रिएट स्पाइडर कुछ इस तरीके से जब आप कमांड लिखोगे तब स्पाइडर का जो इन्वायरमेंट है स्पाइडर आईडी वो एक्टिवेट हो जाएगा तो आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट से भी आप एक्सेस कर सकते हो साथ ही साथ आप नेविगेटर से भी इसे लॉन्च कर सकते हो तो यही तरीके एनाकोडा पे बाकी सारी जो आईडीईज हैं जुपिटर नोटबुक और उन्हें भी एक्सेस करने के लिए अप्लाई होते हैं ओके okay? तो अब इसका कैसा व्यू होता है स्पाइडर आईडी का देख लेते हैं तो स्पाइडर आईडी जो विंडो है जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने शो होगी जब आप स्पाइडर आईडी को लॉन्च करके एक्सेस करोगे तो ओके okay, अब यहां पे ध्यान से देख लीजिए ये स्क्रीन है स्पाइडर आईडीई की जो डिवाइड है कुल थ्री स्क्रीन में इसी को हम बोलते हैं स्पाइडर आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो कंटेन करता है हम बोल सकते दिख जानी है के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं से हम स्क्रिप्ट मोड के नाम से मतलब यहां जो आपको लाइन ऑफ कोड दिख रहा है ना तो यहां पे आपको इसको इरेज करके अपने लाइन ऑफ कोड प्रोग्राम्स लिखने हैं तो जो प्रोग्राम आप यहां लिखोगे उसे आप सेव भी कर सकते हो और सेव करके जिस भी फाइल में जहां पे भी डॉट पीवा एक्सटेंशन से सेव करना है है ना जैसे आपको यहाँ पे फाइल शो रही डॉट पीवा है। तो आप इस फाइल को जिस भी नाम से सेव करोगे सेव करने के बाद आपको करना है इस ट्राइंगल एरो पे क्लिक या फिर इस रन ऑप्शन को टिक तो जैसे आप रन पे या इस पे क्लिक करते हो एफ फाइव भी प्रेस कर सकते हो रन करने के लिए तो ये है कंसोल आई पाइथन कंसोल ये जो स्क्रीन दिख रही है मतलब इसे हम बोलेंगे क्या कि ये एक इंटरक्टिव मोड है कौन सा मोड है इंटरव मोड स्पाइडर का जहां पे आपका प्रोग्राम रन होगा और यहां आपको दिखेगा क्या आउटपुट ठीक है तो यहां पे आप पेक्टिव मोड मतलब यहां आप डायरेक्टली कुछ भी कोड कर रन भी कर सकते हो बट वो सिंगल लाइन कोड होना चाहिए ओके okay? तो जैसे इंटरक्टिव मोड हमने वर्क किया था कब पाइथन पे लास्ट वीडियो में सिंपल वैसे ही आप यहां पर भी वर्क करेंगे ठीक है और इसे हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे अब बात आती है स्टॉप विंडो की तो ये होती है हेल्प विंडो ठीक है यहां पर आप किसी भी प्रोग्राम टूल या जो भी कोड आप लिख रहे हो उससे रिलेटेड हेल्प एक्सेस कर सकते हो क्लियर तो ये हुई क्या स्पाइडर की विंडो जिसमें स्क्रिप्ट मोड मोड आपको साथ में मिल रहा है इंटरक्टिव मोड को कंजोल बोलते हैं इनपुट आउटपुट कंजोल जहां पे आप कुछ इनपुट भी कर सकते हो और आपको आउटपुट तुरंत मिलता है ठीक है या स्क्रिप्ट मोड को एडिटर बोलते हैं जहां पे हम लाइन ऑफ कोड लिखते हैं और ये लाइन ऑफ कोड को आप सेव कर सकते हो फ्यूचर यूज के लिए और रन करने के लिए जब आप रन पे क्लिक करोगे तो आपको यहीं पे आउटपुट शो होगा इंटरैक्टिव मोड में ओके okay, बाकी इसके कुछ मेन्यूज है स्टैंडर्ड टूल बार है ओके okay, तो वो जनरल जैसे सारे सॉफ्टवेयर्स में होते हैं उसी तरीके से हमें एक्सेस करना है तो so, ये बहुत वे होता है स्पाइडर आईडी में की आप कर सकते इसी तरीके से और तो अच्छा आउटपुट भी, भी देख सकते हो ठीक है बाकी इसके अलावा जुपिटर नोटबुक भी होता है तो प्रैक्टिकल में हम कुछ जुपिटर नोटबुक के बारे में भी देखने वाले हैं साथ ही साथ आप ऑनलाइन कैसे पाइथन के प्रोग्राम को एक्सेस करते हो वो भी देखेंगे ओके तो आप जल्दी से बिना देरी किए चलते हैं पीसी पर

एंड देन प्रेस एंटर जैसे आप एनाकोंडा लिख के प्रेस करते हो एंटर जो फर्स्ट लिंक है उसे हमें सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि यही ऑफिशियल वेबसाइट है www.anaconda.com मोस्ट पॉपुलर डेटा साइंस प्लेटफॉर्म के लिए है ना अब एनाकोंडा क्या है एनाकोंडा इज द बर्थ प्लेस ऑफ पाइथन डेटा साइंस जैसा अभी हमने देखा वी आर अवमेंट ऑफ डेटा साइंटिस्ट डेटा ड्रीवन एंटरप्राइजेस एंड ओपन सोर्स कम्युनिटीज जस्ट क्लिक है ओके जैसे मैंने क्लिक किया वी जस्ट लैंड ऑन दी होम पेज ऑफ दनाकोंडा डॉट कॉम वेबसाइट और यहाँ पे आपको अब इसे डाउनलोड करना है तो इसके लिए दो जगह से आप डाउनलोड कर सकते हो गेट स्टार्टेड यहाँ से भी और गेट स्टार्टेड यहाँ से भी सो टू वेज आर अवेलेबल ओके लेट सी टू क्लिक गेट स्टार्टेड ना जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे आ रहा है किसी और प्रोडक्ट से दी आपको देखना है चेक द लेटेस्ट इन डेटा साइंस में भी लेटेस्ट क्या है रिक्वेस्ट ऑन एनाकोंडा डैमो और डाउनलोड एनाकोंडा इंस्टॉलर तो सिंपल हम लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं डाउनलोड एनाकोंडा स्टॉलर ओके तो जैसे डाउनलोड पे क्लिक किया तो हम आ गए नेक्स्ट स्क्रीन पे जहां आपको शो हो रहा है विंडोज मैक ओएस और लिनक्स अब एनाकोंडा पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है वो अवेलेबल है यहां भी हर एक प्लेटफॉर्म के लिए चाहे वो प्लेटफॉर्म विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो या मैक ओएस हो या लिनक्स हो ठीक है तो हम यहां पर इंस्टॉल कर रहे हैं इसे विंडोज के लिए अब विंडोज में सिक्सटी बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर फोर सेवेंटी लेगा और थर्टी टू ग्राफिकल इंस्टॉलर फोर जीरो नाइन एम बी लेगा तो मैक श्योर की आपके सिस्टम में फोर सेवनटी सेवन एम बी सी ड्राइव में होना चाहिए ओके okay, तभी ये सॉफ्टवेयर जल्दी से इंस्टॉल होगा ओके नाउ आई सिलेक्ट द सिक्सटी फोर ग्राफिकल इंस्टॉलर एंड एज यू सी द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर ओके एनाकोंडा इज डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर आपका यहाँ डाउनलोड हो रहा है नाउ अब हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि एनाकोंडा सॉफ्टवेयर का एक्चुअली एडिशन है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एनाकोंडा थ्री एंड विथ ओवर ट्वेंटी फाइव मिलियन यूजर्स वर्ल्ड वाइड मतलब सोचिए आप ट्वेंटी फाइव मिलियन यूजर्स वर्ल्ड वाइड इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं आर डेटा साइंस में मशीन लर्निंग में इसका यूज होता है जैसा अभी हमने सीखा अब ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको एक्सेस कर सकते हो इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है सोर्स कोड में चेंज करके इसके न्यू वर्जन को भी आप अपलोड कर सकते हो ओके ये बना हुआ है दो पैकेजेस से जैसे मैंने आपको बताया था कि कौंडा पैकेज जो प्रोवाइड करता है कमांड प्रॉम्प्ट मतलब यहाँ से आप कमांड लेवल पे भी वर्क कर सकते हो सो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं इस कौंडा पैकेजेस के अंदर ठीक है ये पैकेज जैसा ही होता है क्लियर बट ये ज्यादा फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू पे मैनेज इनवायरमेंट तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर्स को है ना बिल्ड कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं जितनी लाइब्रेरीज हमने देखी थी नम पाए स्की पाए पैंडाज उनका भी यूज़ हम यहाँ कर सकते हैं ओके सो एनाकोंडा थ्री जस्ट डाउनलोड होने वाला है कुछ मिनट्स में तो बिल्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स जो मैंने अभी आपको नाम बताया जुपीटर नम पाए नमवार पाए पैंड ओके कोंडा टेंसर फ्लो मेटप्लॉट ले पैनल ये सारी जो है आईडीज भी हैं इनमें से कुछ स्पाइडर आईडी जिसका यूज़ हम करने वाले हैं क्लियर नम वगैरह ये सब लाइब्रेरीज हैं क्लियर तो ये सारी लाइब्रेरीज इसमें पहले से होती हैं एनाकोंडा में आपको इन्हें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है ठीक है आप डायरेक्टली इसको लॉन्च करके यूज़ कर सकते हो ओके नाउ दिस इज ऑल अबाउट द एनाकोंडा सॉफ्टवेयर जो कि हर एक प्लेटफॉर्म के लिए आपके पास अवेलेबल है लिनक्स के लिए मैको एस के लिए या फिर विंडोज के लिए ओके okay. सो so, आपका एनाकोंडा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है सो so, यहाँ पे हम इसे डबल क्लिक करके स्टार्ट कर लेते हैं इसकी एक सी फाइल को और यहां से कर देते हैं हम इसे मिनिमाइज तो so, कुछ ही सेकंड में आपके सामने एक सी फाइल रन होगी यस सो दिस इज द सेटअप अब हमें यहां से एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है ओके तो इंस्टॉल करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे यहां पे क्लिक कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे कौन सा वर्जन हम इंस्टॉल कर रहे हैं 64 बिट के प्रोसेसर के लिए सिर्फ एनाकोंडा थ्री वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं ओके okay? तो आपका सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट है इसे चेक करने के लिए दिस पीसी पे आपको राइट right क्लिक करना है प्रॉपर्टीज़ में जाना है और जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ में आते हो तो यहाँ पे आपको अपना कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा सिस्टम का सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है ना सिंपल इसी तरीके से हम कॉन्फिग्रेशन चेक कर सकते हैं हमारे सिस्टम का नाउ कंटिन्यू विद द इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्लिक ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन नाउ जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो नेक्स्ट जो स्क्रीन आपके सामने आती है नेक्स्ट जो विजार्ड आती है इसमें आपको लाइसेंस अग्रीमेंट होता है मतलब यहाँ पे आपको पूरी टर्म्स कंडीशंस को पढ़ लेना है एनाकोंडा सॉफ्टवेयर की और टर्म्स कंडीशंस को रीड करने के बाद हमें क्लिक करना है किस पर आई एग्री पर नाउ क्लिक ऑन आई एग्री ओके नाउ आफ्टर दैट प्लीज सेलेक्ट द टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन यू वुड लाइक टू परफॉर्म फॉर एनाकोंडा एनाकोंडा के लिए हम किस टाइप का इंस्टॉलेन चाहते हैं ऑल यूजर्स के लिए चाहते हो या जस्ट मी के लिए रिकमेंडेड है ओके okay? तो जस्ट मी बाईड यही सिलेक्ट हमें रहने देना है नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट नाउ चूज इंस्टॉल लोकेशन अब ये जो सॉफ्टवेयर है आप कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हो है ना तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है पाथ सपोज आप सी ड्राइव में डी ड्राइव में डेस्कटॉप पे जहां आपको इंस्टॉल करना है वहां आप इस पाथ को सेट कर सकते हो ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करके या फिर बाय डिफॉल्ट तो सारे प्रोग्राम फाइल सी ड्राइव में होते हैं तो ये अनकोंडा थ्री भी हमारे सी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगा ओके बाई डिफॉल्ट आपको यहाँ पे सी ड्राइव लोकेशन सिलेक्टेड शो हो रही है नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट वॉर्निंग डेस्टिनेशन फोल्डर कंटेन वन स्पेस दिस कैन कॉज प्रॉब्लम विथ सेवरल कोंडा पैकेजेस प्लीज फिर रजिस्टर एनाकोडर थ्री एज माई डिफॉल्ट्री पॉइंटेड क्लियर अब यहां पर एडवांस ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं तो इसे आपको एज इट इज रहने देना है नाउ क्लिक ऑन इंस्टॉल तो देखिए जैसे ही मैंने इंस्टॉल पर क्लिक किया तो आपके सामने जो पैकेज है ना कोंडा का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो रहा है ओके okay? और अब ये जैसे इंस्टॉल होगा इसमें सारे पैकेजेस जितने भी हैं वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाने हैं इट विल टेक सम टाइम जस्ट बिकॉज क्योंकि ये 477 सेवेंटी का सॉफ्टवेयर है और इसके लिए आपको ड्राइव में कम से कम टू जी फ्री स्पेस चाहिए ओके okay? क्योंकि इसकी जो लाइब्रेरीज़ हैं इसमें जो भी आईडीईज हैं उनके लिए हमें स्पेस अवेलेबल करवाना बहुत ज़रूरी है ओके सेटिंग अप द बेस इन्वायरमेंट यहाँ पे एक बेस इन्वायरमेंट सेट हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आपको पेशेंस रखना है और इसे इंस्टॉल होने देना है ओके सो इंस्टॉलिंग प्लीज वेट वाइल एनाकोंडा थ्री इज बींग परफेक्टली इंस्टॉल्ड ओके ओके सो इट इज़ कम्प्लीटेड नाउ थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर एनाकोंडा को इंस्टॉल होने में नाउ सेटअप वॉज कम्प्लीटली सक्सेसफुली सेलेक्ट नेक्स्ट बटन Now I click on next. As you see, working with Python and Jupyter notebooks is bridged with PyCharm Pro, designed to be with Anaconda. Download now and have the best tools to your finer tips. देखो अब ऐसा यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पाईचाम को भी क्या आप इंस्टॉल करना चाहते हो यहाँ पे वर्क करवाना चाहते हो एनाकोंडा के साथ ठीक है तो यहाँ पे यदि आप इसे इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो इंस्टॉल कर सकते हो अदरवाइज यू क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑप्शन क्लियर नाउ on, next option. Clear? Now click on

ओके okay, जैसे एनाकोंडा मैंने टाइप किया तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट एंड एनाकोंडा नेविगेटर दोनों सॉफ्टवेयर आपको दिख रहे हैं एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में हम कोंडा पैकेज को एक्सेस करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड लाइन में है ना और नेविगेटर अभी हमने एक्सेस किया था नेविगेटर के थ्रू हम जीवाई इंटरफेस पे वर्क करेंगे क्लियर यहाँ पे आपको बहुत सारे आईडीईज भी मिल जाना है जिसमें हम स्पाइडर आईडी पे काम करने वाले हैं तो सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट को देख लेते हैं एनाकोंडा प्रॉम्प्ट क्लिक किया एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे ओके सो एना प्रॉम्प्ट पे हम यहाँ आ चुके हैं इसके फॉन्ट साइज को यदि इंक्रीज करना है तो हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं ताकि आपको क्लियर शो होगा ये बिल्कुल वैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट है जैसे हमने पाइथन प्रॉम्प्ट पे वर्क किया था कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क किया था सिंपल वैसे ही यहाँ पे भी हम वर्क कर सकते हैं जैसे ही मैंने कोंडा लिखा और एंटर किया तो आप देख सकते हो कि कोंडा के सारे कमांड्स और जो भी इसमें जो फाइल्स हैं पैकेजेस हैं वो सारी कमांड्स आपको यहाँ पर शो हो रही हैं ओके okay, तो इस तरीके से यहां पे हम कमांड प्रॉम्प्ट का भी यूज कर सकते हैं आप अपनी कमांड्स को इजीली यहां पे रन कर सकते हो क्लियर नाउ एग्जिट कर देते हैं यहां से और अब चलते हैं हम जिस पे हमें एक्चुअल वर्क करना है वो है एनाकोंडा नेविगेटर सो टाइप एनाकोंडा नेविगेटर ओके सो एनाकोंडा नेविगेटर हमारे सामने है जस्ट सिलेक्ट दिस इट विल टेक सम टाइम टू ओपन इनिशियली आपको थोड़ा सा पेशेंस रख रखना है यहाँ पर फाइन इट्स स्टार्टिंग इनिशलाइजिंग प्रोसेस हो रही है एनाकोंडा की देन अब आपके सामने लोड हो रहे है यूजर्स एप्लीकेशन रैम में चेक हो रहा है सॉफ्टवेयर नाउ इट्स ओपन सो दिस इज द एनाकोंडा नेविगेटर विंडो और जहाँ पे हमें वर्क करना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे तो अब एनाकोंडा नेविगेटर इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा ही दिया है क्लियर तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं होम एन्वायरमेंट लर्निंग कम्युनिटी क्लियर एंड नेक्स्ट इज आपको यहाँ पे एप्लीकेशन सारी दिख रही हैं जो आईडीज़ पे जिन्हें हमें वर्क करना है जैसे कितने आईडीज़ डीज यहाँ पे एनाकोंडा सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होते हैं सिंपल हमें उन्हें लॉन्च कर लेना है जैसे कमांड कमांड डॉट ई एक्ससी प्रॉम्प्ट होता है कमांड प्रॉम्प्ट होता है डेटा लॉर आई वी एम वॉटसन स्टूडियो क्लाउड जुपिटर लैब नोटबुक पावर शेल प्रॉम्प्ट क्यूटी कंसोल स्पाइडर ग्लू ऑरेंज थ्री पाई चाम आर स्टूडियो देखिए पाईचाम यदि वहाँ हम इंस्टॉल कर लेते तो यहाँ पे लॉन्च लिखा हुआ था आप ध्यान से देखिए सारे जो आईडीज यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं इनके आगे आपको लॉन्च ऑप्शंस दिख रहे हैं मतलब ये डायरेक्टली आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो यहाँ से ओके okay? और जो इंस्टॉल नहीं है उन्हें आपको फर्स्टली इंस्टॉल करना होगा जैसे पाईचाम आर स्टूडियो ऑरेंज एंड ग्लूविज को क्लियर तो बात समझ में आ गई कि ये जो ग्लूविज है ऑरेंज है पाइचाम है ये डेटा विजुअलाइजेशन के लिए है ठीक है बाकी स्पाइडर आईडीई का हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर तो सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर स्पाइडर आईडीई को अब स्पाइडर आईडीई को जब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जैसे आपको ये सेटिंग्स का साइन दिख रहा है जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हो रिमूव कर सकते हो इंस्टॉल भी कर सकते हो इसका स्पेसिफिक वर्जन ठीक है यदि आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो कोई परेशानी नहीं है अदरवाइज आप यहाँ से इसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो नाउ आई फर्स्ट क्लिक ऑन लॉन्च स्पाइडर 4.5 पॉइंट फाइव पावरफुल पाइथन आई है जो लॉन्च हो रहा है टेक सम टाइम फर्स्टली क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम हम इसे एक्सेस कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्लियर बाकी फिर ये सारी चीजें एक बार यदि आप एक्सेस कर लोगे तो फिर इजीली एक्सेस कर पाओगे नाउ स्पाइडर फोर पॉइंट ओपन हो चुका है अब यहाँ पे आपको सबसे पहले एक मैसेज बॉक्स हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है स्पाइडर 5.5 पॉइंट फाइव इज ऑल्सो अवेलेबल क्या आप लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप इसे कौंडा पैकेज से भी इंस्टॉल कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली जो मैंने अभी आपको बताया वहां से भी हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं नाउ क्लिक ऑन क्रॉस अभी हम सिर्फ जो वर्जन अवेलेबल था उस पर ही वर्क करेंगे नाउ अगेन क्लिक ऑन क्रॉस वेलकम टू स्पाइडर मैसेज ओके सो दिस इज द स्पाइडर आई विंडो स्पाइडर पाइथन का जो आई है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हमारे सामने ओपन है और यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन को हम वन बाय वन समझेंगे कि ये आई विंडो क्यों है जस्ट बिकॉज जैसे हर एक सॉफ्टवेयर में कुछ मेन्यूज होते हैं सिंपल उसी तरीके से इसमें भी कुछ मेन्यूज़ है जैसे फाइल एडिट सर्च सोर्स रन डीबक कंजोल प्रोजेक्ट्स टूल्स व्यू एंड हेल्प और हर एक मेन्यू में कुछ ऑप्शन है जिनका यूज करके हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं जो प्रोग्रामिंग में स्पेशली हेल्प करते हैं जैसे फाइल में कुछ ऑप्शन होते हैं न्यू सेव सेव एज समथिंग कुछ एडिट में कुछ ऑप्शन होते हैं कट कॉपी पेस्ट अंडू सर्च यदि आपको कोई फाइल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो सोर्स कोड से रिलेटेड कुछ चाहिए आपको कि शो सोर्स कोड लाइक दिस तो आप इससे रिलेटेड कुछ को ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है रन करना है आपको अपने फाइल को प्रोजेक्ट को तो आप रन कर सकते हो डीबक करना है कोई एरर आ रही है ओके यदि आप कंटिन्यू करना चाहते हो अपने कोड को तो यहाँ से हम इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं कंजोल क्या होता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं प्रोजेक्ट यदि आपको क्रिएट करना है तो आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो ओपन कर सकते हो कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को डिलीट कर सकते हो टूल्स दिए हुए हैं कुछ पाइथन से रिलेटेड यहाँ पर व्यू कर सकते हो आप स्क्रीन को फुल व्यू में या फिर आप लेआउट मैनेज कर सकते हो टूल बार्स आपको शो करवानी नहीं करवानी इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन है देन हेल्प ओके तो ये सारे ऑप्शन है मेन्यूज है जो यहाँ पर अवेलेबल है आफ्टर दैट एक स्टैंडर्ड टूल बार आपको यहाँ शो हो रही है जैसे कि हर किसी सॉफ्टवेयर में होती है जिसमें न्यू ओपन सेव से रन जैसे कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहा है ओके okay? अब मेन जो चीज़ है इस विंडो में इस आईडीई में वो ये है कि ये जो आई है ये डिवाइडेड है बेसिकली थ्री स्क्रीन में जिसमें फर्स्ट स्क्रीन आपकी ये वाली स्क्रीन है जिसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट मोड या फिर आप इसे एडिटर के नाम से भी जानते हो ओके okay, अब ये जो स्क्रिप्ट मोड है ये जो एडिटर मोड है स्क्रिप्ट मोड का काम अब आपको समझ में आया क्योंकि हम सी पाइथन में स्क्रिप्ट मोड में भी काम कर चुके हैं जहां पे हमने हमारी फाइल बनाई थी टेस्ट नाम से और उसे हमने रन किया था इंटरक्टिव मोड में ओके इंटरक्टिव मोड जहां पे आप सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखते हो तो ये हुआ स्क्रिप्ट मोड जहां पे आप लिख सकते हो एक से ज्यादा लाइन ऑफ कोड जैसे आपको यहां शो हो, हो रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन मतलब इस तरीके से मल्टीपल लाइन ऑफ कोड हम यहां पे लिख सकते हैं और इन लाइन ऑफ कोड को आप सेव भी कर सकते हो डॉट पी वाई एक्सटेंशन के साथ पाइथन फाइल बनाकर प्लस रन कहा होगी ये फाइल रन होगी यहां पर इस स्क्रीन पे ठीक है जो आपको राइट right साइड में स्क्रीन शो हो रही है कंजोल नाम से दिस इज द दंजोल आई पाइथन कंजोल स्क्रीन इसी को एक्चुअली इंटरैक्टिव पाइथन कहा गया है इंटरक्टिव मोड कहा गया है यहां पर आप लाइन ऑफ कोड इनपुट कर सकते हो उसका रिजल्ट आपको यहीं पे मिलेगा साथ ही साथ जो आप यहां पे कोड लिखोगे वो भी एग्जीक्यूट यहीं हो जाने वाले है तो कुल मिला के आपको स्पाइडर आई में अलग अलग विंडो पे काम नहीं करना है आपको एक ही सिंगल स्क्रीन पे इनपुट भी कर सकते हो फाइल भी सेव कर सकते हो और यहीं आप उसको रन भी कर सकते हो सो so, इसी के टॉप में यदि आपको एक चीज दिख रही है तो ये हेल्प विंडो जहां पे आप कोई भी कोड लिखते हो प्रोग्राम लिखते हो किसी टूल से रिलेटेड हेल्प आप यहाँ एक्सेस कर सकते हो ओके तो चलिए बिना देरी किए हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम को रन करते हैं सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे रन करते हैं कौन से मोड में इंटरएक्टिव मोड में जैसे हमने वहां रन किया था कोई इजी सा कैलकुलेशन ही हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं सपोज सेवेंटी एट मैंने लिखा Then, मैंने एंटर किया तो एंटर जैसे कि आपको आउटपुट शो हो रहा है 174 सेवेंटी फोर ओके एड होकर आपको यही आउटपुट शो हो रहा है इंटरक्टिव मोड में इसी को आई पैथन कंजोल कहा गया इनपुट आउटपुट दोनों कर सकते हो दोनों देख सकते हो उसी स्क्रीन को हम कंजोल कहते हैं ओके देन आफ्टर दैट सपोज हम एक प्रिंट फंक्शन भी यूज कर लेते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं सपोज वेलकम हियर ओके नाउ एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए वेलकम हियर का आउटपुट भी आपको शो हो रहा है सेम मैसेज हमें यहाँ पर आउटपुट के फॉर्म में भी शो हो रहा है ओके okay? तो इस तरीके से इंटरेक्टिव मोड में सिंगल लाइन ऑफ कोड को यहाँ एग्जीक्यूट कर सकते हो अब चलते हैं हम स्क्रिप्ट मोड में तो स्क्रिप्ट मोड में आपको स्क्रिप्ट लिखनी है फाइल बनानी है एक मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम उसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियसली टेस्ट फाइल बनाई थी प्रिंट फंक्शन के साथ तो यहाँ हम मल्टीपल प्रिंट फंक्शन का ही यूज़ करेंगे एज आई टाइप वेलकम इन स्पाइडर आई डी ई ओके नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन यूज कर लेते हैं अब प्रिंट फंक्शन बहुत इजी है समझने के लिए फर्स्ट प्रोग्राम के हिसाब से ही बहुत इजी है बाकी ये क्या होता है कैसे वर्क करता है इसे हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ओके okay. नाउ अब यहां हम लिख लेते हैं दिस इज आर फर्स्ट स्पाइडर आई डी पाइथन प्रोग्राम अब बात हो रही है स्क्रिप्ट मोड की मतलब मल्टीपल लाइन ऑफ कोड हमें लिखना है तो हम एक और प्रिंट फंक्शन यूज कर लेते हैं ताकि ये आपको और इजीली समझ में आ जाएगा ओके नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग हम ये मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं सपोज थैंक यू फॉर वाचिंग ओके अब यहां मैंने मैंशन किए हैं थ्री लाइन ऑफ कोड्स जो आपको दिख रहे हैं प्रिंट फंक्शन के साथ सबसे पहले हमें करना है हमारी फाइल को सेव तो आप फाइल को यहाँ पे सेव कर सकते हो कंट्रोल एस से भी कर सकते हो फाइल में जाके सेव ऑप्शन से भी सेव कर सकते हो तो डेस्कटॉप पे पाइथन प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर बना हुआ है जिसमें टेस्ट नाम की फाइल हमने कल क्रिएट की थी कहाँ पर सी पाइथन का यूज़ करके ठीक है और आज हम यू यूज कर रहे हैं स्पाइडर आईडी का तो हम हमारी फाइल को सपोज डेमो नाम से सेव कर देते हैं डैमो डॉट पी वाई देखो पी वाई लगाना बहुत जरूरी है एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि फाइल आपकी पाइथन की फाइल है नाउ क्लिक ऑन सेव तो आप देख सकते हो अनटाइटल्ड से नाम चेंज हो गया डेमो मतलब जब फाइल सेव नहीं की थी तो अनटाइटल्ड से सेव थी अब हमने टाइटल कर दिया फाइल को सेव कर दिया तो से है है तो से फाइल आपकी सेव हो गई नाउ रन दिस स्क्रिप्ट इस प्रोग्राम को अब हमें रन रन करना है तो करने के लिए आप F5 प्रेस करो या इस बटन पे क्लिक करो या रन मेन्यू पे जाकर भी आप रन कर सकते हो तो ध्यान से देखिएगा जैसे मैं रन पे क्लिक करूंगी ना तो आपको यहां पे इंटरेक्टिव मोड में ये तीनों प्रिंट फंक्शन वर्क करते हुए शो होंगे ओके सो रन पे मैंने क्लिक किया ओके सो एज यू सी आपको आउटपुट यहाँ शो हो रहा है वेलकम इन स्पाइडर आई डी दिस इज फर्स्ट स्पाइडर आई डी पाइथिन प्रोग्राम थैंक यू फॉर वॉचिंग सो अब आपको समझ में आया कि आप स्क्रिप्ट भी क्रिएट कर सकते हो और साथ ही साथ आप उसका आउटपुट भी सिंगल स्क्रीन पे शो करवा सकते हो तो स्पाइडर आई डी में हम आने वाले सारे प्रोग्राम्स को रन करने वाले हैं ताकि आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हो इंस्टॉल भी कर सकते हो अपने सिस्टम में ओके okay. तो वापस आते हैं एनाकोंडा नेविगेटर पे तो so, यहाँ पे हमने स्पाइडर आई डी पे कैसे वर्क करना है वो देखा क्लियर सिंपल इसी तरीके से हम जुपिटर नोटबुक को भी एक बार एक्सेस कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आईडी हैं जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है वो स्पाइडर आईडी है जुपिटर नोटबुक है पाई चाम है क्लियर तो जुपिटर नोटबुक को भी हम एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरीके का आईडी है इसका और कैसे इस पे हम वर्क करते हैं सो जुपिटर नोटबुक इज लॉन्चिंग हेयर इट ऑल्सो टेक टाइम टू लॉन्च ओके द वन मोर वे यू कैन ओपन द जुपिटर नोटबुक बाय टाइपिंग इन टास्क बार एस जुपिटर नोटबुक एनाकोंडा एना आपको शो हो रहा है जस्ट क्लिक हियर यस तो जुपिटर नोटबुक जो है क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आपको ओपन हो जाएगा क्लियर तो ये आपको एक्सेस करना है कुछ इस तरीके से जुपिटर नोटबुक का आपको व्यू शो होगा और यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी न्यू फाइल को क्लियर अभी हम लॉग हो चुके हैं जुपिटर नोटबुक के सेशन में जस्ट आपको यहाँ पे सारे फाइल्स शो हो रहे हैं फोल्डर्स शो हो रहे हैं थ्री ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स ओके नाउ अब हम यहाँ पे न्यू और अपलोड आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू ऑप्शन पे और न्यू ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे पाइथन थ्री पे क्योंकि हमें क्रिएट करना है पाइथन थ्री फाइल सो क्लिक ऑन दी पाइथन थ्री अ न्यू फाइल ओपन ओके सो जैसे स्पाइडर आईडी में हमने देखा था सिंपल उसी तरीके से यहाँ पे एक फाइल न्यू नोटबुक फाइल ओपन हो चुकी है जुपिटर की जो अभी अनसेव्ड है जिसमें अभी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं यहाँ आपको कुछ ऑप्शन फाइल एडिट व्यू इंसर्ट सेल कर्नल विजिट्स एंड हेल्प ओके सेम वही सारे ऑप्शन होते हैं जो अभी हमने वहां भी देखे हैं इसके बाद आपको स्टैंडर्ड टूल बार शो हो रही है जिसमें अंडू सेव कट कॉपी पेस्ट रन है ना कोड जैसे कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं क्लियर और यहाँ पे जो आपको ये लाइन शो हो रही है यहां हमें लिखना है कोड को तो चलिए सबसे पहले कोड लिख के देखते हैं सपोज हम लिखते हैं यहाँ पे एट प्लस नाइन नाउ आई रन दिस लाइन ऑफ कोड तो जैसे मैंने रन किया आप देख सकते हो आउटपुट लिखकर नीचे हमें क्या शो हो रहा है सेवनटीन क्लियर सिंपल इसी तरीके से आप प्रिंट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो कोई कैलकुलेशन भी यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में यूज कर सकते हो ओके सपोज आई राइट हेलो वेलकम इन जुपिटर नोटबुक नाउ आई रन दिस प्रोग्राम सो आपको आउटपुट रहा है नीचे जस्ट हेलो वेलकम इन जुपिटर नोटबुक आप इसे सेव भी कर सकते हो सिंपल फाइल में जाके आप जब सेव करते हो उसे तो ये फाइल आपकी सेविज हो जाएगी यहाँ पे आपको अपने डायरेक्टरी और पाथ का नाम लिखना है सपोज हम इसे सेव करते हैं डैमो वन तो अब ये जो आपकी फाइल है वो डैमो वन नाम से सेव हो चुकी है ओके ये देखिए ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है यहाँ से फाइल और ये जो फाइल आपकी आपको शो हो रहा है डैमो वन नाम से एक जुपिटर नोटबुक के नाम से ये फाइल सेव हो चुकी है क्लियर तो अब आपको ये चीज समझ में आए कि जुपिटर नोटबुक पे भी वर्क करना बहुत इजी है इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो इंस्टॉल कर सकते हो जैसे हमने एनाकोंडा को इंस्टॉल किया या फिर ये एनाकोंडा के साथ में बिल्ड होकर आपको ये आईडी मिलता है तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्लाउड प्लेटफॉर्म पर इसका यूज कर सकते हो ओके तो so, तो वापस नेविगेटर ना, पे so, हमने बेसिकली दो IDEs को देखा आप इसी तरीके से सारे IDEs पे वर्क कर सकते हो बट जो मोस्ट पॉपुलर आईडी जो है स्पाइडर आईडी डी जुपिटर नोटबुक पाइचाम विजुअल स्टूडियो कोड ये सारे जो आईडी ये मोस्ट पॉपुलर है पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए क्लियर लेकिन हम जो सारे प्रोग्राम्स करने वाले हैं वो हम स्पाइडर आईडीई में ही करेंगे क्लियर सो स्टूडेंट्स होप आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एनाकोंडा नेविगेटर को डाउनलोड किया कैसे हमने स्पाइडर पे फर्स्ट प्रोग्राम लिखा जुपिटर को कैसे हमने एक्सेस किया और वहाँ पे भी हमने हमारी स्क्रिप्ट फाइल बनाई उसे सेव किया और वहाँ से हमने पाइथन प्रोग्राम को एक्सेस किया क्लोज कर देते हैं इसे सो so अब एक इंपॉर्टेंट सी चीज जो पाइथन को पॉप्युलर बनाती है ठीक है तो पॉप्युलर कैसे हुई पाइथन क्योंकि आप इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर सकते हो ठीक है बहुत सारे इसके आईडीज अवेलेबल है जिसपे हम इसे एक्सेस कर सकते हैं राइट right? तो साथ ही साथ आप इसे ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हो तो वापस चलते हैं गूगल पर और लिखते हैं हम यहाँ पर पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पाइथन डॉट ओ आर जी यहां से हमने पाइथन को डाउनलोड किया था सो so, यहां से आप इसे ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हो इसका ऑनलाइन इंटरप्रिटर भी अवेलेबल है किस तरीके से सपोज आप यहाँ पे क्लिक करते हो तब आप आ जाते हो कहां पर ऑनलाइन इंटरप्रिटर पर तो so, यहाँ आप अपने प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हो रन कर सकते हो लाइन ऑफ कोड को यूज कर सकते हो बिना पाइथन को इंस्टॉल किए समझ में आया सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वे टू क्रिएट द पाइथन प्रोग्राम अब हम यहाँ पे ऑनलाइन इंटरप्रिटर यूज करने जा रहे हैं सो इट विल टेक टाइम टू रन ऑनलाइन इंटरप्रेटर ओके नाउ इट इज एक्टिव अब हम यहां सपोज कोई कोड लिखते हैं सपोज आई टाइप सेवन प्लस एट नाउ प्रेस द एंटर एज यू सी द आउटपुट इज हियर मतलब ऑनलाइन इंटरप्रेटर वर्क कर रहा है हमारे लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है सपोज आई टाइप प्रिंट फंक्शन हि प्रिंट फंक्शन में हम लिखते हैं दिस इज ऑनलाइन इंटरप्रिटर मोड नाउप्रेस एंटर This is mode, आपको आउटपुट में शो हो रहा है सो so, हुई ना मजे की बात कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ऑनलाइन भी प्रोग्राम्स को अपने पाइथन पाइथन प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो जो की ऑफिशियल वेबसाइट है .org, उसका यूज करके हम ऑनलाइन पाइथन के प्रोग्राम्स को भी एक्सेस कर सकते हैं सो so, अभी तक हमने क्या देखा कि सी पाइथन को यहाँ से कैसे डाउनलोड किया जाता है कैसे इंटरक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में काम किया जाता है साथ ही साथ एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल किया और उसमें हमने स्पाइडर आईडी और जुपिटर आईडी पे भी वर्क किया ऐसे आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे वर्क कर सकते हो ठीक है पाइथन के बहुत सारे एडिटर अवेलेबल है इवन यू कैन राइट द प्रोग्राम इन नोट पेड वर्डपेड सॉफ्टवेयर क्लियर सो स्टूडेंट्स होप आपको प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आया होगा जिसमें हमने www.anaconda.com वेबसाइट से एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया

और वहां पे हमने प्रोग्रामिंग भी की ठीक है तो स्पाइडर आईडी के प्रोग्राम को रन करने के लिए कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ लिखी हुई है जो हमने फॉलो की अभी प्रैक्टिकल में फर्स्ट ऑन नेविगेटर होम टेव इन द एप्लीकेशन पेन ऑन द राइट स्क्रोल टू द स्पाइडर टाइल एंड क्लिक द इंस्टॉल बटन टू इंस्टॉल स्पाइडर यदि आप इस स्पाइडर को लॉन्च कर सकते हो तो वहां से लॉन्च करके भी एक्सेस कर सकते हो अदरवाइज आप इंस्टॉल भी कर सकते हो स्पाइडर लॉन्च स्पाइडर बाय क्लिकिंग स्पाइडर लॉन्च बटन डिलीट किया और यहाँ पे हमने कुछ प्रिंट करके थ्री प्रिंट फंक्शन का यूज किया था जिसमें हमने कुछ टेक्स्ट को लिखा था और वो टेक्स्ट हमारी क्या हुई थी रन हुई थी ऑन द टॉप मैन्यू फिर फाइल को हमने सेव किया फाइल सेव से फाइल का नाम दिया था डेमो डॉट पी को सेव करना है एक्सटेंशन से क्योंकि Python फाइल बना रहे हैं। रन किया हमने प्रोग्राम को कहां से रन किया था या तो आप रन मेन्यू का क्लिक करो या फिर इस तरीके का एक ट्राइंगर सिंबल होता है इस पे क्लिक करो या फिर एफ फाइव को प्रेस करो इन तीनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं पैथर्न के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं नाउ यू कैन सी योर प्रोग्राम आउटपुट ऑन द बॉटम राइट कंसोल पेन उसका आउटपुट हमने कहा देखा था कंसोल पेन पे देखा ठीक है सो so, होप आपको अच्छे से समझ में आया कि और साथ ही साथ मैंने आपको जुपिटर नोटबुक को कैसे एक्सेस करना है उसे कैसे लॉन्च करना है किस तरीके से स्टार्ट मैंने उसे जुपिटर नोटबुक को भी हमने एक्सेस किया उसमें प्रोग्राम किया उसकी फाइल को सेव किया क्योंकि जुपिटर नोटबुक क्लाउड पे ही चलता है मतलब आपको उसको इंटरनेट पे ही एक्सेस करना है बाय द वे आप आप उसे इंस्टॉल भी कर सकते हो ओके okay? और इसके साथ हमने देखा कि ऑनलाइन कैसे पाइथन के प्रोग्राम्स को यूज करते हो रन करते हो तो ऑनलाइन इंटरप्रेटर अवेलेबल होता है पाइथन के वेबसाइट पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से डायरेक्टली हम उसे एक्सेस कर सकते हैं विदाउट डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग हम पाइथन के प्रोग्राम को ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं ठीक है सो so स्टूडेंट्स हमने क्या देखा डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स देखे डिफरेंट मोड देखे कि कहां कहाँ पर आप पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हो कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे आप पाइथन को एक्सेस कर सकते हो सो so ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है आप सोच रहे होंगे सो डोंट पैनिक मैंने जैसे बताया था कि हम बेसिक से स्टार्टिंग से एडवांस तक हम सीखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग को क्लास टेन में ही ताकि आगे चल के जब आप इलेवन ट्वेल्थ में पाइथन प्रोग्रामिंग को सीख हो करो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाए ओके सो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करे शेयर करे सब्सक्राइब करें और यूट्यूब के साथ साथ आप इसे एक्सेस कर सकते हो

Stay here, stay happy. Thank you so much.